Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बेसिक स्किन केयर रिजीम शेयर करने वाली हूँ, विच एक्चुअली एनी वन कैन फॉलो. आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे स्किन केयर रिजीम्स गाइज बहुत ही बेसिक होते हैं. आप टीनेजर हो, बिगनर हो, कोई भी फॉलो कर सकता है इसको. एनी वन कैन एक्चुअली फॉलो इट. आजकल आप देख सकते हो मेरे स्किन पे थोड़े ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, कि मास्क की वजह से हो रहे हैं, बिकॉज हमें मास्क एक्ने हो जाते हैं एंड मास्क पहनना पड़ता है. सो इस वजह से मैं आपके साथ एक बेसिक सा स्किन केयर रिजीम शेयर करने वाली हूँ. इसमें मैं एक DIY फेस पैक बनाऊंगी, उसके बाद के आगे के स्टेप्स भी शेयर करूंगी. मैं आजकल कौन सा टोनर यूज़ कर रही हूँ, कौन सी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ. सो और एक जेंटल सा फेस वॉश आपके साथ शेयर करूंगी. आई बिलीव इनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू तो आपको मेरे चैनल पर मिल ही जाएंगे, और ये वाला मास्क भी शायद मैंने कभी दिखाया हो तो आई डोंट रिमेम्बर. बट येस, मैं आपके साथ यहीं पे बनाऊंगी एंड अपने फेस पे लगा के उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी. सो अगर आपको भी पसंद आए तो आप भी ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहला स्टेप होता है टू क्लेंज योर फेस, टू क्लीन योर फेस. फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस मदर्स फर्स्ट टर्मरिक हीलिंग फेस वॉश. सो गाइज, अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया था एंड मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ही माइल्ड और बहुत ही जेंटल फेस वॉश है. सो आपको कोई भी फेस पैक लगाना है, कोई भी फेस स्क्रब लगाना है, कुछ भी अपने स्किन पे लगाना है ना, तो उससे पहले आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए. कोई मेकअप नहीं होना चाहिए आपके स्किन पे. सो एज यू कैन सी, मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया हुआ, और मैंने यहाँ तक कि कोई मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन भी नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने 1-1.5 घंटा पहले अपना फेस वॉश किया था. एंड मैं अपनी स्किन को ना थोड़ी देर के ऐसे छोड़ देती हूँ जस्ट टू ब्रीद. सो ये मेरी हैबिट है कि मैं 3-4 घंटे के लिए दिन में जरूर मेक श्योर करती हूँ अपनी स्किन को ऐसे ही मैं छोड़ दूँ, ठीक है. सो बट स्टिल आई एम गोइंग टू क्लीन माई फेस विद दिस मदर्स फर्स्ट टर्मरिक हीलिंग फेस वॉश. एज आई सेड कि मुझे मास्क एक्ने का बहुत इशू हो रहा है. सो ये हीलिंग फेस वॉश काफ़ी हेल्प करता है उसमें, बिकॉज टर्मरिक है इसमें और आपके मास्क एक्ने के इशूज़ को सबसाइड करने में बहुत हेल्प करता है. सो यहाँ पे मेरे पास वाटर नहीं है एंड मैंने टोनर के साथ इसको गीला किया है. सो आई जस्ट मसाज इट फॉर 60 सेकेंड्स एंड अपने फेस को मैं वॉश करके आती हूँ, ठीक है. हाँ जी गाइस, सो आप देख सकते हो अपने फेस को मैंने क्लीन कर लिया है, वॉश करके आई हूँ. दिस इज अ ग्रेट फेस क्लेंजर इन केस यू आर यू नो लुकिंग टू बाय इट. अभी मैंने ज़्यादा पैक ड्राई नहीं किया अपनी स्किन को, मैंने सोचा तब तक हम अपना फेस पैक बना लेते हैं. सो फेस पैक के लिए हमें चाहिए हनी. सो आप किसी भी ब्रांड की हनी यूज कर सकते हो. 1 स्पून हनी चाहिए. ये आई बिलीव सफोला की हनी है, वही घर पर रखी हुई थी. आप कोई भी हनी यूज कर सकते हो. सेकेंडली हमें चाहिए वाइल्ड टर्मरिक. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे एल्ब्स गुडनेस की वाइल्ड टर्मरिक. इसका डिटेल में रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, काम आप चेक कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगी. ये 99 रुपीज की आती है और सेल में purple.com पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी. purple.com पे, Amazon पे एंड आई बिलीव आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी मिल जाते हैं ये एल्ब्स गुडनेस के प्रोडक्ट. सो आप देख सकते हो. और मैं ये वाइल्ड टर्मरिक को क्यों यूज कर रही हूँ. फर्स्टली आप टर्मरिक भी यूज कर सकते हो आपके घर पे जो भी है अवेलेबल, बट उससे ना येलो टिंट रह जाएगा आपके स्किन पे, बट वाइल्ड टर्मरिक जो है येलो टिंट नहीं ज्यादा छोड़ती है. सेकेंडली, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक्ने वगैरह और पिंपल के इशू हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, मेरी स्किन से एक्सेस ऑयल को निकालेगा. और ऑब्वियसली हनी में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है एंड टर्मरिक में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है. सो हनी भी एंटीसेप्टिक की तरह और एंटी बैक्टीरियल की तरह वर्क करता है, और वाइल्ड टर्मरिक भी हेल्प करता है. और वाइल्ड टर्मरिक आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में भी हेल्प करता है. आप देख सकते हो मेरी स्किन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा डल हो गई है. एज आई सेड, बहुत इवेंट्स वगैरह थे और यू नो काफ़ी मेकअप वेयर करना था, और यू नो मास्क लगाने से मुझे ऐसा लगता है स्किन पे फ्रिक्शन भी बहुत होता है. सो जिसकी वजह से स्किन थोड़ी डल भी हो जाती है. आई डोंट नो, मेरी तो हो जाती है. सो मेरी स्किन काफ़ी डल भी हो गई है. मैंने क्या किया, इन दोनों इंग्रीडियंट्स को बस मिक्स किया है और मैं इस फेस पैक को अपने फेस पे लगा रही हूँ फॉर 15-20 मिनट्स. और उसके बाद आई जस्ट वॉश इट ऑफ एंड उसके बाद मैं आपके सामने आऊँगी इसका रिजल्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है. सो मेरे सामने मिरर नहीं है, अभी मैं अंदाजे से लगा रही हूँ. आप हल्के से वेट फेस पे भी लगा सकते हो, प्रॉपर ड्राई करके भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है. मैं हल्के से वेट फेस पे लगाती हूँ. आई डोंट नो, इट जस्ट ये जस्ट मेरी हैबिट है. आई डोंट नो, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है. सो मैं इसे ढंग से लगाऊंगी फेस एंड नेक पे. हनी क्या करेगा, स्किन को नरिश भी करेगा, अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, एक्ने पिंपल सब पे वर्क करेगा और स्किन को हील करेगा. अगेन वाइल्ड टर्मरिक भी सेम चीज़ें करता है, एंटीसेप्टिक होता है, स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है एंड यू नो हील करता है स्किन को.
सो बेसिकली मेरी स्किन में काफी इरिटेट हो गई है मास्क पहन पहन के, इवेंट्स अटेंड कर करके, हैवी मेकअप कर करके. सो मुझे इसे काम डाउन करना है. एंड हनी और वाइल्ड टर्मरिक दोनों ही बहुत अमेजिंग है. आप किसी भी ब्रांड का वाइल्ड टर्मरिक यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है. मैं एज गुडनेस का कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल था. आप किसी भी ब्रांड का कर सकते हो, ठीक है. मेरे सामने मिरर नहीं है तो मैंने इसे अच्छे से वैसे लगा तो लिया है, बट मैं मिरर के सामने देख के और अच्छे से लगा लेती हूँ. एंड आई विल सी यू गाइस आफ्टर लाइक 15-20 मिनट्स. सो गाइस, एज यू कैन सी, मैं फेस पैक को वॉश करके आई हूँ एंड माई स्किन हैज बिकम वेरी वेरी सॉफ्ट, सपल और काफी स्मूथ हो गई है, काफी क्लियर हो गई है. आप देख सकते हो एक ही बार में कोई मैजिकली इतना डिफरेंस नहीं आता, बट इट एक्चुअली अनक्लॉग्स योर पोर्स और आपकी स्किन को हील करती है, हील करता है ये पैक. एंड स्पेसिफिकली ये वाइल्ड टर्मरिक. सो आप एक बार इस फेस पैक को जरूर ट्राई करके देखना. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप. आई एम गोइंग टू यूज दिस टोनर, दिस बाय द फेस शॉप एंड दिस इज देयर पोमेग्रेनेट एंड कोलाजन वॉल्यूम लिफ्टिंग टोनर. सो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, आई वुडंट डिनाई दैट. दिस इज फॉर लाइक 1730 अगर आप बिना सेल के से ले तो फुल प्राइस. एंड 160 ml की ये क्वांटिटी है. आई एम जस्ट टेकिंग लिटिल बिट ऑफ इट. इसका डिटेल में रिव्यू मैं आप अपने चैनल पर जरूर डालूंगी. सो आप इसको पैटर्न भी कर सकते हो और आप इसको मसाज भी कर सकते हो, बट आई लाइक टू जस्ट यू नो लिटिल बिट मसाज इट एंड देन आई लाइक टू पैट इट ऑन टू माई स्किन, ठीक है. ठीक है, एंड जो बच जाता है ना उसको अपने हैंड के बैक पे लगा लेते हैं. एंड नाउ आफ्टर दैट टोनर आप कोई भी यूज कर सकते हो. आपको इतना एक्सपेंसिव टोनर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. आप बायोटिक के टोनर यूज कर सकते हो, गुड वाइब्स के यूज कर सकते हो, कोई भी टोनर, रोज वाटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है. एंड उसके बाद टू यू नो सील द गुडनेस ऑफ एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव अप्लाइड. कुछ ज्यादा तो मैंने लगाया नहीं, टोनर ही लगाया. आई एम गोइंग टू यूज दिस डॉक्टर वेलमर का माइल्ड फेस लोशन है. दिस इज अगेन वेरी वेरी अमेजिंग. इसका भी मैंने डिटेल में रिव्यू अपने चैनल पे किया हुआ है. अगर आपको मास्क एक्ने हो रहे हैं या कोई भी एक्ने पिंपल का इशू हो रहा है ना, आपको इस प्रोडक्ट को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए एंड यू विल नॉट रियली रिग्रेट इट. मैं आपको डिटेल रिव्यू का लिंक अपने चैनल पे डाल दूंगी एज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप चेक कर लेना. हल्के से मसाज करो एंड अप्लाई इट. सो गाइस आप देख सकते हो मेरी स्किन पे ग्लो सा आ गया है आफ्टर यूजिंग बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. सो आई वुड हाईली रिकमेंड देम. सो इसका भी मैं डिटेल में रिव्यू टोनर का डालूंगी अपने चैनल पे, बट इसका मैंने डाला हुआ, आप एक बार जरूर चेक कर सकते हो. दिस इज डॉक्टर वेलमर्स क्लीन फेस लोशन. बहुत अमेजिंग है. दिस वन अमेजिंग फॉर ऑल स्किन टाइप्स. और अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट. डेफिनेटली ये पूरा स्किन केयर रेजिम ना, अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है या फिर आगे समर्स आ रहे हैं उसके लिए एकदम एप्ट है और कोई भी इसे ट्राई कर सकता है. सो अगर आपको ये स्किन केयर रेजिम, बेसिक्स का रेजिम पसंद आया है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू गाइज, बाय बाय.